Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. और हमारा आज का ये केस भी इसी तरफ एक इशारा है. अरे सोले बेटा, जरा आराम से बैठ के खा लो, इतनी क्या जल्दबाजी है? अरे अबू, आज वो जन जागरण का एंटी करप्शन मोर्चा है, मुझे 10 बजे पहुंचना है. मेरे ख्याल से तुम्हें अपने को इवेंट वाला काम ज्यादा करना चाहिए. इस सरकार के खिलाफ आंदोलन, मोर्चा, ये सब क्या? नॉट अगेन अबू, हमारी बात इस पे हो चुकी है. तो कभी अपने अबू की बात मान भी लो ना बेटा. अबू आप अपना ख्याल रखिए, मैं चलती हूँ. तुम भी अपना ख्याल रखो. खाला, खुदा हाफिज. खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा. संभाल के जाना. विदेशी कोयला कंपनी का बहिष्कार करो. बहिष्कार करो, बहिष्कार करो. हमारी जमीनें, हमारी जमीनें, हमारी जमीनें. विदेशी कोयला कंपनी का बहिष्कार करो. बहिष्कार करो, बहिष्कार करो. कितना तड़पाते हो तुम मुझे, जानते हो? तुम्हारे बिना मेरा वक्त कैसे गुजरता है? आई लव यू जान. मशहूर आरटी एक्टिविस्ट सोहिला मकसूद ने अपनी जंग तेज कर दी है. हम इस वक्त खड़े हैं भावरकुआ के कोल माइंस के ठीक सामने. मामला है विदेशी कोयला कंपनी किस तरह से अवैध खनन कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ सोहिला मकसूद ने अपने सवाल पूछे हैं सरकार से, और सरकार की होश फाख्ता हो चुके हैं. सोहिला, सोहिला, हमारे सूत्रों का ये कहना है कि सरकार के मंत्रियों का आप पे दबाव है, वो चाहते हैं कि आप आरटीआई फाइल ना करें. देखिए, सरकार ये परियोजना लोगों पर जबरदस्ती थोप रही है. हमारा अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट से इस इलाके के पर्यावरण को जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है. हम ये परियोजना यहाँ नहीं होने देंगे. क्या हम होने देंगे? नहीं होने देंगे. ये जंग तो चलती रहेगी जब तक सरकार नींद से जाग नहीं जाती है. तुम जानते हो उसको? अरे मैडम रुकिए ना, अभी मैडम अंदर मीटिंग चल रही है. मैडम रुकिए थोड़ा, एक मिनट. मैडम रुकिए. अरे वही ना, आओ आओ. सोई सोहिला, ये कर लो काम तुम. ये आरटीआई वाला मुद्दा जो है ना, इस पे गौर करना. बाकी मैं देख लूंगा. ओके, आई विल सी यू अराउंड. मैं सोच के बताती हूँ. वैसे मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ. एक्सक्यूज मी. कौन है? तुमने तो मुझे बताया नहीं कि वो. मैंने बताया ना तुमको, वो एक्टिविस्ट है. रिलैक्स यार. हाथ नहीं, हाथ मत लगा. क्या चल रहा है तुम्हारा और उसका? और तुम तो इसको 2003 से जानते हो ना. किसने कहा तुमसे? मैंने देखा खुद कल न्यूज में. तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें फोन करते करते, एसएमएस करते करते मेरी उंगलियां थक गई. और तुम? वो एक्चुअली मैं रिबन काट रहे थे, लड्डू खिला रहे थे उसको. कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? क्या क्या कहते तुम उसे? सोही, 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 है ना? क्या रिश्ता है? तुम्हारी तो एक दीदी है ना, और फिर मैं तुम्हारी रखेल, फिर इससे क्या रिश्ता है? कौन है ये तुम्हारी? खाऊंगा. मेरा पेशा ऐसा है. क्या पेशा है तुम्हारा? औरतबाजी करना. देखो भूषण, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना. कम ऑन यार वहीदा, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? मुझ पर विश्वास रखो ना.
सुनो, कल की कॉफी बाकी है, आज पूरी कर लेते हैं। नहीं, तुम मुझसे फिर नहीं मिलोगे। तुम्हारी गुस्सा। अब मैं चलती हूँ। Love you. वैसे तो तहकीकात अब भी चल रही है, पर हमारी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से ये मसला एक सुसाइड का लग रहा है। पर सर, अब तक आपको हथियार भी नहीं मिला है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एक सुसाइड है? हमारी जानकारी के मुताबिक सोहिला जी काफी परेशान चल रही थी, और उनकी संस्था हमारी हमसाया पर काफी बड़े कर्ज थे। हो सकता है उन्होंने इस वजह से सुसाइड कर लिया हो, और वैसे भी इस केस में अभी कुछ साफ कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ भंवर कुआ के इंस्पेक्टर राजे, जो सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। पुलिस की पूरी तहकीकात से इस मामले में जबरदस्त लापरवाही दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है, और इस पूरे हत्याकांड को, दिन दहाड़े हुई इस हत्या को ठंडे बस्ते में डाल रही है। 14 जून 2008, आज ना जाने क्यों इतनी जल्दी में थे, एक बार ढंग से गले भी नहीं लगाया। वादा करके गए थे अगली बार बकाया रहा, बकाया तो खूब चुकाया। आज उनके साथ समय को तो जैसे पर लग जाते हैं, मन करता है उनकी बाहों में। September 14, 2011, मैं पागल हो जाऊंगी, ये औरत मुझे तबाह कर देगी। September 16, 2011, मुबारक हो, काम हो गया। फोन आया था उसका। बस वहीदा मिर्जा, किसका किसका फोन आया था आपको 16 सितंबर 2011? उसी दिन सोहिला की हत्या भी हुई। किसका फोन आया था आप नहीं बताएंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पता नहीं चलेगा। थोड़ा वक्त लगेगा, आपके आशिक को तलब करना होगा, उनकी थोड़ी बदनामी भी हो सकती है। आपके आशिक ने कॉल किया था ना आपको उस दिन? नहीं, उन्होंने नहीं। फिर किसका कॉल था? आपकी एक एक दास्तान की बोलती और खामोश तस्वीरें हमें मिल चुकी हैं। रंग बदलकर डंप की गई मोटरसाइकिल हमने बरामद कर ली, हथियार सप्लाई करने वाले का बयान है हमारे पास, और कातिलों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। ठीक है, अब आपके लिए आपकी जबान खोलना ही बेहतर है। भूषण कुमार से मेरी मुलाकात साल 2008 में हुई थी, एक बिचौलिए नवीन गुप्ता के जरिए। शुरू में मैं महज उनसे कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए मिलती थी, लेकिन बाद में ये मुलाकातें पहले दोस्ती और फिर प्यार में तब्दील हो गई। मुझसे पहले भी भूषण की जिंदगी में कई औरतें थी, सोहिला उनमें से एक थी। मैं नहीं चाहती थी मेरे और भूषण के बीच कोई भी आए, मना किया था मत मिलो उसे, वो फिर भी मिलते थे। वहीदा जी, आपको कैसे मालूम कि वो लोग मिलते थे? लोग लगा रखे थे मैंने उनके पीछे। सोहिला के घर का नौकर मुझे पल पल की खबर देता था वहां की, एक दो बार फोन पे सुना और अपनी आंखों से भी देखा। जमाल के फोन से आप ही ने कॉल किया था ना सोहिला को, भूषण कुमार को और फिर आखिर को? ये मौत का सौदा कितने में तय हुआ था? 3 लाख। इस हत्या में आपके साथ और कौन कौन शामिल था? रुखसाना, आखिर और उसके कुछ लोग। मैं भूषण को किसी भी कीमत पे बांट नहीं सकती, नहीं बांट सकती। अफसोस, कानून से मिलने वाली सजा को बांटने के लिए वो आपके साथ नहीं होगा। अब
बहुत दौड़ा है तू, अब तेरे बोलने की बारी। साहब रुखसाना मैडम ने ही मेरी मुलाकात करवाई थी वाहिदा बीबी से। साहब फिर मैं उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने सोहेला मकसूद को मारने का काम सौंपा मुझे और मैंने अकरम और इजाज को बुला लिया। साहब सर मैं तो वाहिदा मैडम का साथ निभा रही थी। हाँ भाई बस इतना जान लो कि उस औरत को मारकर नेक काम ही करोगे तुम। हम भी आपका साथ छूटने नहीं देंगे। किसी से इतना प्यार के प्यार। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।